हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी परिवेश संस्कार में। तो आज की वीडियो में जो हम निकल रहे हैं कक्षा दसवीं, यहाँ पर देखिए आप लोग कक्षा दसवीं जो है अर्धवार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान, कक्षा दसवीं विषय विज्ञान पूर्णांक 75 अंक, समय 3 घंटे का, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 आपका लेकर है पूरा पेपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है वीडियो शुरू करने से पहले ये देख लीजिए, जो है PDF जो है मेरे पास पूरी आ चुकी है। ठीक है, पेपर की जो है पूरी PDF मेरे पास आ चुकी है, पूरी जो है मैं फोटो खींच कर ले आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को जो है लाइक कर दें, गर्दा उड़ा देंगे आप लोग जो है वीडियो देखने के बाद। जो आप लोग 75 में से 75 नंबर का जो है पेपर करके आओगे, 75 में से 75 नंबर का। ठीक है, तो वीडियो को जो है लाइक कर दें, चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। आज की वीडियो में जो पूरा पेपर बता देंगे अभी से, आप लोग जो पूरा पेपर जो बेस्ट सॉल्यूशन सभी प्रश्नों के उत्तर जो आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे, पूरा पेपर आपको आज की वीडियो में दिखा देंगे। तो आप लोग जो है गर्दा उड़ा देना। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को देखते हैं। ठीक है, आपका जो विषय विज्ञान कक्षा दसवीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 आपका पूर्णांक 75 नंबर का जो है पेपर है और 3 घंटे का आपको जो है समय मिलेगा। यहाँ पर जो है निर्देश दिए गए हैं और जो है आपको इनको पढ़ लेना है। ठीक है, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, 8 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का है? 8 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम पूरा पेपर जो है सभी आज की वीडियो में जो आपको पूरा बता देंगे, विद सॉल्यूशन सभी प्रश्नों के जो है उत्तर आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या था आपका, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। और यहाँ पर देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो pH मानूंगा, तो उसका pH मान कितना होगा, 10। ठीक है, उसका pH मान हो जाएगा कितना, 10। ठीक है, और फिर निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो इनमें से सर्वाधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, पेड़ों में जो जाइलम होता है वो क्या करता है, जल का वहन, जल वहन के लिए उत्तरदायी होता है जाइलम। ठीक है, और अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो है ईस्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा क्या, शुक्रवाहिका। ठीक है, फिर इसके बाद जो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो कौन सा, देखिए जल से जो है आपका लेंस बन सकता है, कांच से बनता ही है और प्लास्टिक से भी बन सकता है, लेकिन मिट्टी से जो है आपका नहीं बनेगा। उत्तर में आपको क्या लिख देना है, मिट्टी। ठीक है, उत्तर में लिख देना है मिट्टी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। तो देखिए, ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है, ये सभी एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये सभी जो है हमने आपको पिछली वीडियो में इनके सभी के उत्तर बता दिए थे। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं चैनल पर जाकर। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हमें जो है आपको प्रश्न उत्तर बताने थे। ठीक है, प्रश्न उत्तर सभी प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो हम उन्हीं को देखते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, पहले तो आप जो पेपर देख लीजिए। ठीक है, सही जोड़ी मिलाइए, ये क्वेश्चन है 8 नंबर का। ठीक है, पेपर देख लीजिए आप लोग पूरा, और जो है इनके उत्तर जो है हम आपको बता देंगे। इनके उत्तर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 नंबर की, सही प्रश्नों के उत्तर जो हमने बता दिए हैं पिछली वीडियो में उत्तर सहित पूरा जो है हमने सभी ऑब्जेक्टिव टाइप सभी 1 नंबर के प्रश्नों को बता दिया था। ठीक है, तो आज जो है हमें जो प्रश्न क्रमांक 5 से जो है सभी प्रश्नों को बताना था। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं और इनके उत्तर भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक आपका 5 क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, जो मैग्नीशियम रिबन होती है धातु, उसको वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6वां है, इनके उत्तर जो है आपको वीडियो के लास्ट में जो है हम पूरा बता देंगे। ठीक है, अभी जो है आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो और वीडियो को जो है तुरंत लाइक करें, हम आपके लिए जो है मेहनत करके जो वीडियो बना रहे हैं, सभी प्रश्न ला रहे हैं, पूरा पेपर बता रहे हैं और साथ ही सबके उत्तर बताएंगे सभी प्रश्नों के उत्तर, तो इस बात पर जो है आप तुरंत वीडियो को जो है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, आगे के आपके सभी पेपर अगर आपको पूरे जो पेपर चाहिए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो है बेल नोटिफिकेशन को जो है ऑल पर क्लिक कर लें, बेल नोटिफिकेशन को जो है ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही हम जो है आगे की वीडियो बनाएं, आगे के पेपर और भी आपके पेपर हैं। ठीक है, और वार्षिक परीक्षा के लिए भी जो है आप चैनल को तुरंत जो है सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चैनल को तुरंत जो है सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके दोस्तों की मदद हो जाए। देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 6वां है, प्रश्न क्रमांक 7वां, प्रश्न क्रमांक 8वां। ठीक है, 2-2 नंबर की आपके प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8वां, प्रश्न क्रमांक 9वां, प्रश्न क्रमांक 10वां, प्रश्न क्रमांक 11वां, प्रश्न क्रमांक 12वां। ठीक है, तो ये जो 12 प्रश्न है और भी हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक सभी आप देख लीजिए, वीडियो के लास्ट में जो है हम आपको जो है पूरे प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर आसान भाषा में जो है हम आपको पूरा बता देंगे, शॉर्ट आंसर है। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से। ठीक है, और फिर इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक जो है आपका 13वां देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 13वां। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13वां भी आप देख लीजिए। ठीक है, और प्रश्न क्रमांक जो है आप 14 देख लीजिए, ओम का नियम लिखिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 विद्युत परिपथ में उपयोगी 2 अवयवों के प्रतीक बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम इनके उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 आपका
कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, ठीक है। तो आपका जो है प्रश्न क्रमांक जो है पांचवा देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक पांचवा, ठीक है, प्रश्न क्रमांक आपका पांचवा। प्रश्न क्रमांक पांचवा क्या था, वायु में जलाने से पहले। अब जो है अभी हमने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए, तो वीडियो को पॉज करके जो है उन सभी प्रश्नों को नोट कर लें, ठीक है। उत्तर आपको जो है इसी वीडियो में जो है बता देंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 571, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रबन को साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रबन एक धातु तत्व है और जब इसे वायुमंडल में खुला रखा जाता है तो यह है। तो आप इसको अच्छे से समझना, ठीक है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रबन को साफ किया जाता है, क्योंकि क्योंकि मैग्नीशियम रबन जो है, मैग्नीशियम रबन है वो क्या है, एक धातु तत्व है। मैग्नीशियम रबन एक धातु तत्व है, मैग्नीशियम रबन एक धातु तत्व है, ठीक है। जब इसे वायुमंडल मतलब कि ऐसे वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है, खुला रख दिया जाता है, तो क्या होता है, यह ऑक्सीजन से क्रिया करती है। ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है अपनी ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक जो है परत बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है, और जो इसे जलने में अवरोध पैदा करता है, जो इसे, इसके बाद जो के बाद जो आपको इसे लिखना है, ठीक है, जो इसे जलने में अवरोध पैदा करता है, इसलिए जो है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रबन को साफ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक छठवा है, प्रश्न क्रमांक छठवा क्या था, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दूध, दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए, तो ठीक है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को इसलिए नहीं रखना चाहिए, इसलिए नहीं रखा जाता है, क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है, दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है जो पीतल एवं तांबे से क्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस को बनाएगा और दही एवं खट्टे पदार्थ खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो पीतल एवं तांबे जो है वो क्या, ये जो है किस क्या है, धातु है, ठीक है। पीतल एवं तांबा क्या है, धातु है, और दही एवं खट्टे पदार्थ में क्या होता है, दही एवं खट्टे पदार्थ में जो है अम्ल होता है, तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल जो है पीतल एवं तांबे के बर्तनों से क्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, जिससे दही एवं खट्टे पदार्थ जो है खराब हो जाएंगे, इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखा जाता, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक सातवां है, प्रश्न क्रमांक सातवां है, सोडियम को क्रोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ठीक है। प्रश्न सात क्या कहता है, सोडियम जो धातु है उसे क्रोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो सोडियम को क्रोसिन में डुबोकर इसलिए रखा जाता है, सोडियम को क्रोसिन में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है। सोडियम क्या है, अतिक्रियाशील धातु, और इसे वायुमंडल में रखने पर, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके, ये जो है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है ऑक्सीकृत होकर गायब हो जाता है, इसलिए इसे बचाने के लिए क्रोसिन में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक आठ है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या कारण है, क्या परिणाम हो सकते हैं, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हमारे शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, हमारे शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को ले जाने एवं कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का कार्य करता है। यदि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो श्वसन क्रिया प्रभावित होगी, और शरीर को कम ऊर्जा मिलेगी, इससे हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और हमें एनीमिया रोग हो सकता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक नौवा है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखिए, ठीक है। आपको जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है, प्रश्न क्रमांक नौ है, तो देखते हैं जाइलम और फ्लोएम। आप जो है ऐसा एक कॉलम बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए जाइलम, ठीक है, जाइलम, और एक तरफ लिख लीजिए क्या, फ्लोएम, एक तरफ क्या लिख लीजिए, फ्लोएम, ठीक है, और इस तरफ जाइलम के लिख लीजिए और इस तरफ फ्लोएम के लिख लीजिए, ठीक है। जाइलम ऊतक जड़ों द्वारा जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन पौधों के विभिन्न भागों तक करता है, जाइलम ऊतक होता है, वो जड़ों द्वारा, जड़ होती हैं पेड़ की, जो जड़ होती हैं पेड़ पौधों की, उनके द्वारा जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन, जो जड़ों होती हैं उनसे जो निकलने वाला जल और खनिज पदार्थ होते हैं उनका संवहन करते हैं, कहाँ पर, पौधों के विभिन्न भागों तक करता है, ठीक है। फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पेड़ पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम ऊतक होता है वो पत्तियों, जो पत्तियां होती हैं वो जो भोजन को बनाती हैं उन्हें पौधे के अन्य भागों मतलब सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है।
दूसरा अंतर, यह एक निर्जीव ऊतक होता है। जाइलम ऊतक कौन सा होता है? निर्जीव। और फ्लोएम ऊतक होता है सजीव। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 है, मानव में वृषण के कार्य लिखिए। ठीक है, तो मानव वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है जो शुक्राणुओं के उत्पादन के साथ साथ लड़कों में युवावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 है, लक्षणों का क्या है? अनुवांशिकता किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 11 क्या है? अनुवांशिकता किसे कहते हैं? तो लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होना क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता कहलाता है क्या? जो लक्षण होते हैं उनका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होना? संचारित होना अनुवांशिकता कहलाता है। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिकता की खोज किसने की थी? ये याद रखना, अनुवांशिकता की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, नंबर एक, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण, ये जो है ये होता है, देखिए ये जो प्रकाश किरण आई जो है परावर्तित होकर चली जाए, तो ये आपतन कोण का मान है जिस सदैव जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, और आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होती हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए। चालक का प्रतिरोध होता है उसको प्रभावित करने वाले दो कारक लिखिए। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा क्या? चालक का प्रतिरोध उसके तार की जो है प्रकृति पर पड़ता है कि तार जो है कौन से पदार्थ का बना है। ठीक है, तार के पदार्थ की प्रकृति पर। और दूसरा, तार के ताप पर। तार के ताप पर जो है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाली कारक कौन सा हो जाएगा? तार की ताप पर और तार की पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, और 14वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ओम के नियम के, ओम का नियम लिखिए। 14वां क्वेश्चन क्या है? ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम, ओम के नियम अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो तार के सिरों के मध्य, तो तार जो तार है उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि अनुक्रमानुपाती विद्युत विभव, विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है? एम्पियर, एम्पियर मतलब आई, विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब मतलब क्या हो जाएगा? वी बराबर एक, वी बराबर क्या हो जाएगा? आर आई। वी बराबर क्या हो जाएगा? आर आई। और आर बराबर क्या हो जाएगा? वी बटे आई। ठीक है, वी बटे आई। आर बराबर क्या हो जाएगा? वी बटे आई। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? ओम के नियम, ओम का नियम। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है प्रश्न क्रमांक 14 तक जो है आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 विषय विज्ञान की जो है प्रश्न क्रमांक 14 तक आपके 2 नंबर के प्रश्न थे। हमने पहली वीडियो में जो है सभी 1 नंबर के प्रश्न करवा दिए थे, इसमें जो है सभी 2 नंबर के। अब प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर जो है आपके प्रश्न क्रमांक 18 तक, प्रश्न क्रमांक 18 तक जो है आपके 3 नंबर के प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 15 से 18 तक जो है आपके 3 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, तो आपको जो है 3 नंबर के प्रश्न की वीडियो जो है तुरंत आपको जो है शाम तक आ जाएगी। तो आप 3 और 4 दोनों जो है 3 और 4 नंबर के प्रश्नों की वीडियो एक ही, मतलब एक वीडियो में जो है 3 और 4 नंबर के प्रश्न की आपको बता देंगे। और 2 नंबर के प्रश्न बहुत थे तो एक वीडियो में जो है बड़ी हो रही है वीडियो, तो जो है आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में बता देंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।